आज हम भारतीय पारंपरिक चित्रकला के बारे में आपको हम बता रहे हैं और इन पारंपरिक चित्रकला को बनाने के लिए जो सबसे अहम भूमिका जिसकी होती है वो होती है ब्रश। और ब्रश किस तरह से होनी चाहिए, कैसे ब्रश पकड़नी चाहिए, उसके बारे में मैं आज आपको बताना चाहूँगा। और चूंकि लंदन के अंदर मैंने 3-4 वर्कशॉप लिए मिनीचर पेंटिंग्स के, तो मुझे स्टूडेंट्स ने कहा कि सर हमें मिनीचर पेंटिंग के बारे में जितना हो सके डिटेल से बताएं। तो आपके सामने ये जो मैं ब्रशेस दिखा रहा हूँ ये फाइन लाइन की ब्रशेस हैं और इसमें 3 तरह की ब्रश हैं। एक तो ये ब्रश है जो एकदम सीधी लग रही है जैसा आप देख रहे हैं। दूसरे नंबर की ब्रश वो है जो कि झुकाव इसका बहुत ज़्यादा है एक साइड में, जैसे ये आप देख रहे हैं। तीसरी ब्रश वो है जो केवल तलवार की तरह होती है जिसका हल्का सा ये है। और मिनीचर पेंटिंग में मेरे पसंद की सबसे बढ़िया ब्रश यही है, क्योंकि ये जो ब्रश चलाने का तरीका सबसे बड़ा क्या है, सबसे पहले तो ये चीज़ देखने की है कि ब्रश के जो बाल हैं इनमें पावर कितना है। तो हमें इन ब्रश के जो डायरेक्शन जिस तरह से उसके जस्ट अपोजिट हम इसको दब प्रेशर करेंगे, अगर वो वहीं आ जाती है ब्रश के बाल वापस वहीं आ जाते हैं, इसका मतलब ब्रश बहुत ही उमदा किस्म का है, बहुत अच्छा ब्रश है। उसके बाद जब हम लाइनिंग करेंगे तो सबसे पहले जो कलर है उसके अंदर इस तरह से पानी मिलाएंगे और उंगली से ही गोटेंगे। कुछ लोग ये गलती करते हैं, फाइन ब्रश से ही कलर की वो गुटाई कर देते हैं जैसे कि ऑयल पेंट में करते हैं। इसमें वाटर कलर के अंदर बिल्कुल इसका अपोजिट काम होता है। जितना हो सके आप ब्रश को कलर मिक्सिंग करने में प्रयोग ना करें तो वो ज़्यादा अच्छा है। हम लाइनिंग से जो ब्रश का प्रयोग करते हैं उसमें जो पानी की मात्रा और कलर की मात्रा है उसको विशेष ध्यान रखने की बात है। अब इसमें मैंने कलर और पानी दोनों को साथ साथ लिया है, ये आप देखेंगे। और ब्रश के अंदर फिर कलर लें, पॉइंट बनाएं और उसको कलर के अंदर भिगोएं। और इसको जब चलाने का तरीका, तो सबसे पहले तो हमें आप ब्रश को देखना कि इस ब्रश का पॉइंट कैसा है। हमें गोला बनाना है, गोले के अंदर गोला और गोला, और ब्रश को चारों तरफ घुमाना है। इसमें यह ब्रश हमारे लिए बहुत अच्छी किस्म की ब्रश है जिसको हम पूरे फ्लो से घुमा सकते हैं। ब्रश चेक करने के लिए सबसे अच्छा और आसान तरीका यही है कि आप उस ब्रश को मूवमेंट को चारों तरफ ऊपर नीचे इधर उधर घुमाएं। चूंकि ब्रश टेस्ट कर रहे हैं इसलिए हम ये जो पेपर हमने जो हैंडमेड यूज़ किया है इसमें कोई वाइट कलर का कोट नहीं किया हुआ है, तो हम वो भी बताएंगे। उसके बाद ब्रश कैसे चलानी है ये चीज़ हम आपको सिखाएंगे। ये देखिए आप, और इस खास बात ये है हमारे भारतीय पारंपरिक चित्रकला की कि इसमें कलर एक बार लेते हैं और वो ब्रश का जो फ्लो है, जो चलने का उसका जो कैपेसिटी है वो बहुत होती है। अब आपने देखा सिर्फ एक बार डिप किया है हमने, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप चला क्या रहे हैं, बना क्या रहे हैं, ब्रश को कितना प्रेशर देके उसका प्रयोग कर रहे हैं। ये देखिए आप, ब्रश को कहाँ थिन करना है, कहाँ ठीक करना है, इसका भी आपको नॉलेज होना चाहिए। ये देखिए आप, एक तरह की ब्रश। अब जब इसमें अभी आप देखेंगे कलर खत्म हो रहा है इसका, अब इसका ये फोर्स नहीं बनेगा, वो थिकनेस खत्म हो जाती जाएगी। अब इसके अंदर कलर ख़त्म सा हो चुका है,
इसलिए लाइन टूटती हुई आ रही है। ऐसे समय में ये देखिए आप, ये जो लाइन टूटी हुई आ रही है, अब इसमें फिर हम पानी में डुबाएंगे इसको और ये लेंगे। अब ये ब्रश बहुत ही श्रेष्ठ क्वालिटी के हैं। अब इसमें ये देखिए आप, ये यहाँ से शुरू हुई, नीचे गई है हमारी लाइन, फिर हमने इसको घुमाया है। देखिए आप ब्रश के पॉइंट को कहाँ कहाँ घुमाना है, सबसे बड़ी बात यही है। ये देखिए आप, मतलब यहाँ जा रही है, फिर ऊपर आई है, फिर वापस घूम रही है, तो ये जो आगे का जो पॉइंट है ये कितना घूम पा रहा है, और इसमें कोई एक्स्ट्रा बाल तो बाहर नहीं आ रहा है। अगर आप फाइन लाइन करें और उसमें बाल आ जाए तो वो डबल लाइन देने लग जाएगा, तो हमें उस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि हमारा जो ये पॉइंट है, ये देखिए इस पॉइंट को विशेष तौर से देखना है। ये देखिए, और जब आपकी जब आपको लगे ये ब्रश अच्छी है तो आप थोड़ा सा इसके साथ खेलिएगा आप। ये देखिए, हम इस ब्रश से क्या क्या नहीं कर सकते। ब्रश में खूब सारा कलर लें, ये जो फ्लो बन रहा है वो इसलिए बन रहा है, ब्रश में कलर और पानी की मात्रा बराबर है। ये देखिए आप, फिर लीजिए, इसको हम बोलते हैं आकृति और आवृत्ति का सिद्धांत। एक जैसी आकृति बन रही है और डिस्टेंस भी बराबर मेंटेन करना है। क्योंकि जयपुर में ब्लॉक प्रिंट का काम ज़बरदस्त होता है, तो हम मिनीचर पेंटिंग में भी वही कपड़ों में इसी तरह की बूटियाँ डिज़ाइन डालते हैं। और जब हमें पेड़ बनाने हों तो ये देखिएगा आप, ये ब्रश को उठाया और फिर हवा फ्लाई कर दिया इसको। इसी तरह से यहाँ ब्रश को हम टच करेंगे और उठा देंगे। क्योंकि ये पेपर बिना कोट लगा हुआ है, इसलिए ब्रश जो और फाइन चलनी चाहिए थी, अगर इस पे कोट लगा हुआ हो तो और भी फाइन चलेगी। ये देखिएगा, और फिर कुछ पेड़ जो बनते हैं वो केवल लाइनिंग से होते हैं, लाइनिंग से बनते हैं। ये देखिए आप, कुछ बूंदी शैली में, कांगड़ा शैली में इस तरह के वृक्ष बनते हैं। ये देखिए, लेकिन जब भी आप पेंटिंग का काम शुरू करें तो आप 10 से 20 मिनट तक मेडिटेशन जरूर करें, क्योंकि मेडिटेशन करने से, प्राणायाम करने से आपको अपने श्वास पर कंट्रोल होगा, और जब आप श्वास पर कंट्रोल करेंगे तो लाइन परफेक्ट होगी, एकदम परफेक्ट होगी। अगर आपको चेहरा बनाना है, ये देखिए आप, फ्लो जो हो रहा है, ब्रश किधर घूम रही है, कहाँ जा रही है, ये सारा सब कुछ आप मन में ही सोचना होता है कि ब्रश को कहाँ उठाना है, कहाँ थिन करना है, कहाँ थिक करना है। जब इंडियन लेडीज यूज करती है नोज रिंग, नोज रिंग गोल नहीं बनेगी तो फिर उसका फायदा ही क्या हुआ। ये देखिए, अब यहां पर हम
उंगलियों के साथ में थोड़ी सी कलाई का भी प्रयोग कर लेते हैं। ये इस तरह से साड़ी का पल्लू। इस तरह की जब हम लाइनिंग करेंगे, प्रैक्टिस रोज करेंगे, तो हमारे ब्रश के साथ हमारे अंदर भी कॉन्फिडेंस आएगा। लेकिन जब भी आप लाइनिंग करें तो आपको सांस ज़रूर रोकनी है। अगर सांस लेते हुए अगर लाइन करेंगे तो हाथ में थोड़ा कंपन आएगा। राजा बनाना है या जेंट्स बनाना है, किस एज ग्रुप का वो हमें बनाना है। और जब हम फेस बनाते हैं किसी भी शैली का हो, तो उसके अंदर एक सिद्धांत, एक तरीका होता है कि हम जिस तरह से ये फ्लो से लाइन हुई है, तो हम इसको पहले प्रैक्टिस करने के पहले हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 तेरह टुकड़ों के अंदर, छोटे छोटे पीस के अंदर हमने ये चेहरा बनाया। और तब कहीं जाके हमारा जब ये चेहरा बनेगा और जब इसी को हम फ्लो में करेंगे तो ये ऐसे आएगा। एक जगह हमने यहाँ फ्लो किया, तो ये जो विशेषता है ये ब्रश चलाने की है, ब्रश को देखने की है, ब्रश को समझने की है। इसी तरह से आप रोज प्रैक्टिस करिएगा। मैं रामू रामदेव आपको मिनीचर पेंटिंग्स की जो सीक्रेट जो है वो मैं आपको बताता रहूँगा। और ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ उन विश्व के उन तमाम लोगों के लिए है जिनके पास आसपास कोई पारंपरिक चित्रकला करने वाला या मिनीचर करने वाला आर्टिस्ट नहीं है। उन लोगों तक मैं पहुँचना चाहता हूँ और जो कला मैंने सीखी है और मैं अब जो सीख रहा हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये मुझे उम्मीद है कि इस तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी कला में दिन प्रतिदिन निखार आएगा। नमस्कार।